वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। आज हम आपको बताएंगे वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। नमस्कार, अमन त्रिपाठी के साथ आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। यह भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थस्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू तीन मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव तक 14.5 किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर ने करवाया था। वह बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके मन में माँ वैष्णो देवी के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन माँ सपने में दिखी और कहा कि वो उनके लिए एक भंडारा कराएं। माँ वैष्णो देवी को समर्पित भंडारे के लिए एक शुभ दिन तय किया गया और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता भी दे दिया। इसी के साथ अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों को पाने के लिए देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।